नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल वर्मा और आप देख रहे हैं सूदिंग गंगा चैनल। आज मैं आ गया हूँ देहरादून के सहस्त्रधारा में। सहस्त्रधारा को जाना जाता है कि यहाँ पे सल्फर रिच वाटर है। ये जो पूरा स्ट्रीम आप देख रहे हैं अभी, तो खैर मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। तो ये जो वाटर स्ट्रीम है, यहाँ पर नहाने से ऐसा कहा जाता है कि आपको एक्नी, एक्जिमा और जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब ठीक होती हैं, बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है और तो और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी ठीक रहता है, ऐसा माना जाता है। आज देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। तो क्या सच में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो क्या ज़रूरत है आपको स्किन के डॉक्टर के पास जाने की, या क्या ज़रूरत है आपको हड्डियों के डॉक्टर के पास जाने की, क्या ज़रूरत है आपको बॉडी को वैसे डिटॉक्सीफाई करने की? यहाँ पर आओ, दो चार डुबकियाँ लगाओ और आपकी सारी दिक्कतें ठीक। क्या ऐसा है, सच में है? सहस्त्रधारा में जो पानी आ रहा है इसका सोर्स है बाल्दी रिवर, और बाल्दी रिवर बेसिकली एक हेल्पिंग रिवर है सोंग रिवर की। अब सोंग रिवर देहरादून में बहती है और देहरादून में बहने वाली सबसे बड़ी नदियों में से एक है सोंग रिवर। सोंग रिवर का हिस्सा है बाल्दी, और बाल्दी का पानी यहाँ पर बहता है। ये आप देख रहे हैं सहस्त्रधारा का एक जोन। अब जोन क्या है वो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा कि जोन क्या है यहाँ पे। और अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि हजारों सालों से लोग हॉट वाटर स्प्रिंग्स में नहाते आए हैं और उनका मानना है कि एक्चुअल में उनकी बॉडी में चेंजेस आए हैं, मतलब उनको हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या, स्किन से जुड़ी हुई समस्या, ब्लड सर्कुलेशन, इन सब से एक्चुअल में फ़ायदा मिला है हॉट वाटर स्प्रिंग में नहाने से। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है कुछ, ये शायद बिल्डिंग वगैरह रेडी हो रही है। खैर ये प्लेस तो बिल्कुल एक कमर्शियल प्लेस है। पुराने टाइम में होता हुआ कि ऋषि मुनियों की जगह होती होगी ये, वैसे भी थी कहते हैं ऐसा, बट अब तो फुल कमर्शलाइजेशन है यहाँ पर, हर तरफ बिजनेस ही बिजनेस देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर। पुराने टाइम से ही मैंने आपको बताया कि लोग कहते आ रहे हैं और उनका भी मानना है कि हाँ एक्चुअल में हॉट वाटर स्प्रिंग्स में नहाने से बॉडी अच्छी रहती है, स्किन आपकी ग्लो करती रहती है, मतलब जो आपकी स्किन है बिल्कुल जवान रहती है, अगर मैं सही मायने में आपको बताऊं। और इसमें ना बहुत सारी रिसर्च भी हुई है, रिसर्च में भी एक्चुअल में ये शो हुआ है, मतलब ये प्रूफ हुआ है कि एक्चुअल में ये बात सही है कि हॉट वाटर स्प्रिंग में नहाने से स्किन अच्छी रहती है, क्योंकि ये वाला जो पानी होता है हॉट वाटर स्प्रिंग का, अब इस चीज़ का ध्यान रखना मैं हॉट वाटर स्प्रिंग कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो हॉट वाटर स्प्रिंग्स का जो पानी होता है वो सल्फर रिच होता है, उसमें सिलिका बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिससे स्किन ग्लो करती है और स्किन बहुत अच्छी रहती है, उसमें दिक्कतें नहीं होती, स्किन की प्रॉब्लम्स नहीं होती, जॉइंट पेंस नहीं होते, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, ये सब चीज़ें। अभी मैं बात कर रहा था कि हॉट वाटर स्प्रिंग की, आपने नोटिस किया होगा मैं हॉट वाटर स्प्रिंग मैंने वर्ड यूज़ किया, तो जो सहस्त्रधारा है ये हॉट वाटर स्प्रिंग कहीं से भी नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी गर्म पानी नहीं मिलेगा आपको। ये जो वाटर बॉडी है बेसिकली, जो ये स्ट्रीम है इसमें जो भी पानी आता है वो बाल्दी रिवर से आता है। हालांकि यहाँ पे भी सल्फर रिच पानी है, ये वाला जो आप पानी पूरा देख रहे हो ये पूरा सल्फर रिच है, लेकिन ये गर्म नहीं है और ये हॉट वाटर स्प्रिंग भी नहीं है। हॉट वाटर स्प्रिंग की सबसे बड़ी जो खासियत होती है वो ये होती है कि उसमें से सड़े हुए अंडों की स्मेल आती है। हाँ आपने सही सुना, सड़े हुए अंडे। तो इस पानी में कहीं भी सड़े हुए अंडों की स्मेल आपको नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये हॉट वाटर स्प्रिंग नहीं है। और सल्फर रिच वाटर की सबसे बड़ी पहचान ही यही होती है कि उसमें सड़े हुए अंडों की स्मेल आती है। तो अब बात कर लेते हैं एक्चुअल रिसर्च की। एशियन जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, उन्होंने जब वो यहाँ पर आए रिसर्च करने के लिए सहस्त्रधारा में, उन्होंने पूरे सहस्त्रधारा के जो एरिया है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, उसको तीन जोन्स या तीन पार्ट्स में डिवाइड किया और देखा कि जोन नंबर टू और जोन नंबर थ्री, या ये कह लें साइट नंबर टू और साइट नंबर थ्री, ह्यूमन यूज़ के लिए सबसे ज़्यादा अनफिट है, सबसे ज़्यादा अनफिट है। और उन्होंने ये पाया कि साइट नंबर वन जो कि मेरे पीछे है, ये है साइट नंबर वन, ये ह्यूमन यूज़ के लिए फिर भी ठीक है, इसमें नहाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइट नंबर वन जो कि मेरे पीछे है ये वाली, ये ह्यूमन यूज़ के लिए ठीक है, फिट है,
लेकिन उसके बावजूद भी इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इसमें भी नहाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन की एलर्जीज ठीक हो जाएंगी, जॉइंट पेन दुखने ठीक हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, ऐसा रिसर्च में कहीं पे भी नहीं लिखा, इवन फॉर द साइड वन। तो साइड टू और थ्री की तो आप बात ही छोड़ दो बिल्कुल। तो इसी रिसर्च के अकॉर्डिंग उन्होंने ये भी पाया कि जो सहस्त्रधारा है इसका जो पानी का टेम्परेचर है वो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, और एक्चुअल में जो एक हॉट वाटर स्प्रिंग होता है उसका मिनिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर ही जाता है। तो देख लो, ये हॉट वाटर स्प्रिंग नहीं है, यहाँ पे नहाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। एक्चुअल में फ़ायदा मिलता है हॉट वाटर स्प्रिंग में नहाने से, जिसका मिनिमम टेम्परेचर 36 डिग्री से मतलब 36 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपको कभी कोई हॉट वाटर स्प्रिंग दिखे तो ऐसा नहीं है कि आपने उसमें डायरेक्ट डुबकी लगा लेनी है, नहीं, कभी नहीं करना ऐसा, क्योंकि उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। तो एक बार चेक ज़रूर कर लें उसमें डुबकी लगाने से पहले, वरना पानी बहुत गर्म होगा और उसके बाद पता है फिर आपको क्या होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सल्फ़र हो गया पानी के मौजूद जो सल्फ़र होता है और दूसरे मिनरल्स आपकी बॉडी को सिर्फ एक ही केस में फ़ायदा पहुँचाते हैं, जब पानी का टेम्परेचर मिनिमम 36 डिग्री सेल्सियस हो, जो कि नेचुरली हॉट वाटर स्प्रिंग में होता है, यहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ पे आप चाहे जितना मर्जी नहा लो। मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े इस वीडियो को बनाने से पहले, बहुत सारी रिसर्च की, तभी मैंने ये वीडियो बनाया। मैं बिना मकसद के या बिना बेस के ये वीडियो नहीं बना रहा, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कि सिर्फ टाइम पास हो जाए। एंटरटेनमेंट तो खैर है, लेकिन उसके पीछे एक रिसर्च भी है, एक बेस भी है मेरा, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप यहाँ पे आओ, आके नहाओ, चिल करो, रिलैक्स करो। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि हमें बॉडी में फंगल इन्फेक्शन है या कोई दिक्कत है या हमारे जॉइंट्स में दिक्कत हो रही है, आपने इंटरनेट से आर्टिकल्स पढ़ लिए सहस्त्रधारा के बारे में और फिर आप यहाँ पे आ गए किसी बेनिफिट के लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है आके, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक कमर्शियल प्लेस है टाइम पास करने के लिए, इंजॉय करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए। हेल्थ बेनिफिट यहाँ पे कोई नहीं मिलेंगे। तो जी, मैं निकल के आ गया हूँ सहस्त्रधारा वाले जो पूल्स हैं, पूल्स से निकल के मैं आ गया हूँ बाहर की तरफ। मेरे पीछे यहाँ पे द्रोण गुफा है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन आज की कुछ वैल्यूएबल लगी हो तो इसको आप वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि उससे सही ग्रोथ होती है। आप सब जानते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, और चैनल की ग्रोथ होगी तो मैं अच्छे अच्छे कॉन्टेंट और लेके आऊँगा इसी टाइप के। आपको भी देखने में मज़ा आएगा, मुझे बनाने में मज़ा आता है और सीखने को भी मिलता है। तो जी, आज मैं लेता हूँ आपसे विदा इस जगह से, सहस्त्रधारा से। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा हो, यहाँ तक देखा हो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे दोबारा से किसी दूसरे वीडियो में। ओके, बाय।